वैसे बीजेपी के लिए आज सुपर संडे है। मोदी ने हैदराबाद में मोर्चा संभाला है, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बड़ा संकल्प ले लिया, रामलीला मैदान की रैली में बीजेपी ने बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बिगुल फूंका है। राजनाथ ने केंद्र और दिल्ली की सरकार को एक साथ चुनौती दे डाली है। दिल्ली में बीजेपी का पावर अटैक, बिजली के बहाने दिल्ली में बीजेपी ने अपने पावर का किया प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली हुई। इस रैली में राजनाथ सिंह ने दिल्ली की शीला सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। 2014 के लोकसभा चुनाव, उसके पहले हमारे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यहाँ से संकल्प लेकर इस रामलीला ग्राउंड से जाइए कि चाहे हमें जितना भी जिस्म का पसीना बहाना पड़े, हम अपने जिस्म का पसीना बहाएंगे और दिल्ली राज्य की भी सरकार को बदलेंगे और साथ ही साथ केंद्र की सरकार को बदलकर ही हम दम लेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल ने दिल्ली की जनता को वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे। आज यहाँ कहने के लिए आया, कांग्रेस बार बार पूछती है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी चीज है जिससे बिजली के दाम वो घटा देगी। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा शासन लाएगी, उसके कार्यकर्ता इतनी मेहनत करेंगे कि जब सुशासन होगा तो बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी नेताओं ने शीला सरकार और बिजली कंपनियों के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए। एक दिन पहले ही विजय गोयल और दिल्ली बीजेपी के दिग्गज विजेंद्र गुप्ता के बीच मनमुटाव की खबर आई थी, लेकिन इस रैली में ये दोनों नेता एक ही मंच पर दिखे। मंच से विजय गोयल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो गांव-गांव जाकर शीला सरकार की नाकामियों का प्रचार करें। अगला चुनाव कोई 70 हमारे कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव 3,50,000 हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये दिल्ली की जनता लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। विजय गोयल ने दावा किया कि पिछले 2 साल में दिल्ली में बिजली के दाम 72% बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जनता की जेब ढीली हो रही है। शिवानी त्यागी, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।